अज पंजाब विधानसभा के विशेष इजलास दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ बिल पेश किया गया। पंजाब सरकार के खेतीबाड़ी बिल अनुसार जिहड़ा भी फसल की खरीद या वेच MSP तो घट करेगा उसनों 3 साल की सजा होगी। इस तो अलावा 2.5 एकड़ तो घट जमीन वाले किसान की भी जमीन अटैच नहीं की जा सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों पेश किए बिल में खेतीबाड़ी नाल संबंधित समान की कालाबाजारी करने वालों पर भी सख्त प्रबंध किए गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह केंद्र सरकार वालों लियांदे खेतीबाड़ी कानूनों मनण की बजाय अस्तीफा देना पसंद करनगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों लियांदे गए बिल सेंटर वालों लियांदे गए खेतीबाड़ी बिलों नूं कमजोर करनगे। BJP ने अपने मैनिफेस्टो विच पाई सी कि असीं जद आवांगे असीं इहनूं इंप्लीमेंट करांगे, पर जब आ गए फिर इन्होंने और फिर उन्होंने अपना शांता कमेटी रिपोर्ट भी बना दिता है, तो रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन हियर कि ये चीज़ का तरह शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई कई साल हो गए हैं। जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट मेरा जो आई थी एंड इस समिंग अप इज देखिए इन्होंने कि इकनोमिक्स उन्होंने कह कि जे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट असर होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी निकली गल कर रहे हैं कि वो दिन के नाल होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड नॉट ओनली कंटिन्यू बट शुड बी लिस्टेड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। 2006 की गल फिर उस तो बाद इन्होंने कहता BJP ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये असं इन लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने अधीन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 आ चुकी सी। उहदे विच इन्हां ने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली इहदे विच कि MSP हटा दिओ, इहदा बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, इहदा देश नूं बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दो वगैरह जिहदे ते बैठे भी सब कुछ लैके आए। Now I want to know, मैं जानना चाहता है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान दा, उस संविधान दे अधीन कुछ एक्ट्स ने विच आर सब्जेक्ट्स समा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स और उस स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क नूं जिहड़े साडे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स हुंदे सी डॉक्टर अंबेडकर जी ने चेयरमैन कीती उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और ये सारे जो फैडरल स्ट्रक्चर बनिया कई साडे स्टेटां नूं कई अधिकार से कि तुसीं अपने आप कानून इस पर बनाओ एक करके दूजा तीजा करके खत्म कर ले। GST की गल देखो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दी गई सी कि सारी टैक्सेशन हुण विल बी डन बाय थ्रू द जस्ट प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे कितने हुए जून महीने सात महीने और कितना पैसा पंजाब को दियो 9,000 करोड़ सानू दियो वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इफ तुसी पावर साथ तो लेना फिर तुसी उन्हें और इंप्लीमेंट की करते दिस इज वन ये तो एक चीज है। लेकिन दूजा आ खेती बाड़ी इज द स्टेट सब्जेक्ट इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट तो एंट्री 14 नूं इन्होंने इग्नोर करता विच इज क्लियरली एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सेट्रा इज नॉट और 28 मार्केटां नूं रखता है वो भी नॉट करता। इन्होंने आर्टिकल सेक्शन 33 दे विच लै लिया 33 में ट्रेड इज एग्रीकल्चर ट्रेड
ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद फरोखत करते हो मंडिया मुंडिया के बाहर पास जाके अपनी चीजें खरीदते हो बिकते हो लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जरा कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल त्यागे हार्वेस्ट करता है वाढ़ी लाता है वह ट्रेड है उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोच रहे हो यू मेक इट आउट इन सच अ वे कन्विंस अपने आप तो कर लो पर दुनिया को कन्विंस नहीं कुछ कर सकते हाउ कैन एग्रीकल्चर अगर मैं हम आके उसे मटर बीजना है और मटर के मैं बीजना एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना अपने अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट कुछ मैं शेयर चारा मटर हो मैं शेयर या अपने स्पीकर साहब को बेचता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना That is an agricultural produce which I am selling, not free. So, a trade no under Section 33, how they have brought it when the emission is not the first thing to do. Jado don't see, ke behas karo, parliament se ne behas kai, why didn't you behas to nikar? Behas karo de, aur das de ke ek Section 33 de ande aya, but o behas other, but I see ke behas wasi they have no legs to stand on. He can give three. लोकसभा के पेश नहीं कराओ राज्यसभा नहीं कराओ ना कानून पास करता रहो यह क्या कॉन्स्टिट्यूशन वॉट इज दिस फिर सदन क्यों बनाए हुए हैं कानून तुझे बहस नहीं कराते आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज और मैं समझ आती है इन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स आई ब्लेम बीजेपी लोग कह के कहो कि जी फलाना उसे बैठा सी ऑर्डिनेंस के बैठा सी या नहीं बैठा सी दिस माई I want to know कि तुसी जेरे ये कानून बनाया कैसे बनाया ना कितना बताया। Secondly, तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जब पीएम फॉरेंटी से अलग गया सी उन्हें I think कि कुछ रिटी समझता है। जब ऐसो असी बैगी बोलना चोरी आ जाके असी जा के कर का मतलब अपने लोगों वास्ते मंगने से चोर या कड़े खान वास्ते यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਰਨ ਬੋਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਮਰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਲਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਬੇਸਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਕਾਵਰੀ ਬੇਸਨ ਨਰਮਦਾ ਬੇਸਨ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਟੈਲ ਮੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਸ 22,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਜੀਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਸੇ ਜੀਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उतो भी मैं पता सी मुश्किल और सा हो रहा सी, 22,000 फुट के लोग बैठे रहते, चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन तुम नाम लै लो जिते रोज ही साढ़े कोई दिन लगता है, साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे, सब पिंड तो आते हैं, सारे खेतीबाड़ी के निर्भर ने, रक्षा करते देश देते और देश को बचाने ने जरूरत संकट आता तुम ये भी भुला नहीं सारे तो मैं ये समझना चाहना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तौर पर आए मेरी अनईजी आई वेरी अपसैट देखो गल है कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो सा एक तो कोविड का काल है दूजे पासे अज अखबार के किसी अखबार इंडस्ट्री की रही 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पाया इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जरा फार्मर एजुकेशन है फार्मर को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है सू सारे को एजुकेट करने का पूरा अधिकार है बिकॉज ये डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी के एजुकेट करना ठीक है असी किसानों खड़े हैं मैं हम किसानों जरूर एक गल करा जो किसान यूनियन वगैरह ने हूँ समय आ गया असि थोड़े करो दो गल हो सकती इकोनमी पंजाब नहीं बच सकता नहीं अगर अस समझते हैं कि सिर्फ आप टोल प्लाजा रोक जो सारा रोक रहे हो कोई ये कुछ फर्क पैदा ये कुछ फर्क नहीं पैदा फर्क पैदा है देखो तुम कोई बिजली देख लो अगर अज मेरे को नाभा पाउ जोड़े को मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक कल खत्म हो जाए उसे बिजली बंद हो जानी है तलवंडी साहबो साढ़े को भी दस अड़की खत्म हो गया जीवी के खत्म हो गया सिर्फ लहरा रुपए सारे कुछ बोला है कितों खरीदा गया पता नहीं किस ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने टो पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल साढ़े को नैशनल ग्रिड तो अतों खरीद पैसा कितने को खरीद साढ़े को पैसा नहीं है मनी जिस तरीके इकोनमी चल रही है जिस तरीके इंडस्ट्री बंद पी है कितों पैसा होगा अपने को वी हैव टू इफ वी हैव टू बाय वी कैन बाय अब कोड़ा खरीद के रख लेते क्यों नहीं रखा क्योंकि जिन्हें कोड़ा सीखने दिन तो चल रही है बड़ा खत्म हो गया 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है ज्यादा नहीं होना चाहिए सो एक होता है प्लीज मैं किसान अपने वीर बेनती कर रहा असि थोड़े न खड़े हैं अकेले दल तक खड़ के पूरा मैं पता नहीं अब कोई बोल नहीं रहा हरे पर जब बोलेंगे सारे चलाइए थोड़े को सिर्फ 10% यूरिया जो कणक की बजाय हो रही है 10% थोड़े को यूरिया थोड़े को अब सारे स्टॉक्स भरे पे ने साढ़े गोडाउन में भी जब तक निकलते नहीं मैं नवी चे झोना कितने रखना फिर थोड़े को जो फर्टिलाइजर बाहर होने उन्होंने आना है तो यह सारिया चीजा हम देख रहे पंजाब की इकोनमी का 47,000 करोड़ का सा नुकसान हो गया वी कैन नॉट अफोर्ड दिस पहली गल और दूसरी गल मैं कहना चाहते हैं मैं क्या से पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम ये गल क्यों करते हो करनी पैदा ने पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखे
मैं देखा चलो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें गुम टुने से मैं नहीं चाहता कि एक काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड़ता जदों ताईं इतने आके कोई रौला नहीं पाते मैं जानना आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट आई चीफ मिनिस्टर ऑफ मैनू पता है कि कुछ हो हथियार आते हैं कैसे आते हैं किन्ने ड्रोन आते हैं किन्ने आ चुके किन्ने हथियार ने किन्ने टेररिस्ट फड़े ने किन्ने असी
It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਆਉਣੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਪਤਾ ਇਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਫੇਸ ਇਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਦਿਸ ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਤ ਮਾਰੋ ਅੱਜ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਖ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਤ ਮਾਰਿਓ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਓ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।